तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम गए हैं गिरनार पर्वत। तो ये रास्ते से जा रहे हैं और ये देखो कितने प्यारे खेत थे, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो ले ली थी और सूरज भी बहुत बढ़िया लग रहा था, सनशाइन हो रहा था। और यहाँ हम पहुँच गए हैं गिरनार में। और मैं इससे पहले बता दूँ, मैंने भी ये पहले जर्नी कर चुकी थी और मैंने इसकी वीडियो भी बना दी थी। वो आपको मेरे न्यूमरोलॉजी के चैनल में दिख जाएगी, जिसमें मैं न्यूमरोलॉजी बनाता हूँ, तो वो मैं लिंक नीचे भी दे दूँगा। तो ये देख सकते हो, ये सबसे बड़ा रोप है एशिया का, लॉन्गेस्ट रोप है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रोप है एशिया का। तो ये गिरनार में है, गिरनार पर्वत जूनागढ़ में है, गुजरात गिरनार में ये रोप है, बहुत बड़ा है। और मैं वही सोच रहा था यार, मेरे को इधर चलना चाहिए था या नीचे ही से ही चलना चाहिए था, क्योंकि मेरा मन तो था कि मैं, क्योंकि यहाँ पे 10,000 स्टेप की सीढ़ी है, मतलब 10,000 कदम की सीढ़ी है, तो मेरे को 10,000 कदम से चलने थे। मैंने कहा थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बट मैं थोड़ा क्या है ना, आप देख सकते हो धूप आ गई थी, मैं थोड़ा अपने राजकोट से निकला था तो टाइम लग गया था मेरे को, तो 6:30 के करीब निकला था, लेकिन मैं वहाँ 9:30 बजे पहुँचा था। तो 9:30 बजे मैंने जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी, बट धूप थोड़ी लग रही थी और उस टाइम में कोई भी बंदा जर्नी स्टार्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ मतलब मैं ही था, मतलब कुछ कुछ बंदे और भी आ रहे होंगे मेरे पीछे। बट धीरे धीरे जैसे ही मैं ऊपर बढ़ता गया ना, तो मैंने देखा जैसे ही मैं 2500 सीढ़ी तक पहुँचा, जैसे ही मैंने देखा कि मैं, तो और भीड़ भी मेरे साथ आने लगी। तो ये आप देख सकते हो जूनागढ़ शहर, और ये जंगल है पूरा जूनागढ़ का, जहाँ पे शेर भी पाए जाते हैं, गिरनार का शेर। और ये देखो मैंने चने थोड़ा अपना, लेकिन यहाँ वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे हर जगह आपको दुकानें मिल जाएगी रिफ़्रेशमेंट के लिए, चने, तरबूज, खीरे, मतलब आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए सब चीज़ मिल जाएगा, पानी और जूस वूस सब मिलेगा आपको, गन्ने का जूस भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, ये अंबिका मंदिर तक था। और पूरा शायद कैमरे से शायद ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, मुझे लगा अब आपको दिख जाएगा। तो ये पूरी खड़ी चढ़ाई थी, ये वाली पूरी खड़ी चढ़ाई थी, इसमें बड़ी हालत ख़राब हो गई, पहले तो ठीक ठाक था लेकिन उस टाइम खड़ी चढ़ाई थी। तो थोड़ा रेस्ट लेके मैंने अपनी वीडियो ले ली। और मैंने क्या है ना, कम से कम सामान ले आने का वहाँ पे, और मैंने धीरे धीरे अपना फिर अपना निक्कर भी चेंज कर लिया, क्योंकि मैं पहले पैंट में था, मैंने कहा अपनी निक्कर पहन लेता हूँ। और बैग में जो सामान था, पानी वानी जो था, वो बैग में रखा, और कम से कम सामान ले आने, तो ज़्यादा कपड़े नहीं ले गए, लेकिन ठंड का टाइम था और ठंड के टाइम में जाना बढ़िया रहता है, क्योंकि और टाइम में क्या है ना, गर्मी रहती है। तो ये पहुँच गया हम अंबिका मंदिर में, और ठंड के टाइम में लेकिन एक दो चीज़ें हमारे बैग में आ ही जाती है, जैसे जैकेट हो गया, क्योंकि मैं बाइक से गया था, तो जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, तो उसका भी एक वजन होता है। तो यहाँ पे आके सही में शांति तो मिल गई थी, बहुत अच्छी शांति मिल गई थी। ये मंदिर का दूसरा साइड है, कह सकते हैं लेफ्ट साइड है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि मैंने एक साल पहले ये जर्नी करी थी, तो पूरा माहौल बढ़िया था, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया था। और यहाँ तक सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ तक आती है, और उसके ऊपर भी एक चीज़ और है, और भी यात्रा है, लेकिन यहीं पे लोग यहीं से चले आते हैं, और रोप वे भी यहीं तक आता है अंबिका मंदिर तक। और ये देखो, ये नीचे आप देख सकते हो कितने सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पे और आप देख सकते हो कितने ऊपर आ गए हम, ये है रोपवे का, वो जहाँ से आप जाना इन और आउट हो सकते हो। तो 700 रुपये है आना जाना, 350 रुपये एक टाइम का, तो 700 रुपये आना जाना है। तो मैं भी यहाँ आ गया, मैंने कहा यार ये कितना बढ़िया लग रहा था, यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो सेल्फी पॉइंट और फोटो सेशन वाला पॉइंट है ये। तो अंबिका मंदिर ऊपर है, तो मैंने कहा चलो यहाँ से भी दिखा दूँ, ये मेरे को सिक्योरिटी गार्ड मना कर रहा था, मैंने कहा ओके। तो ये है मंदिर यहाँ से, ये दूसरे पॉइंट से जो लेफ्ट साइड मैंने पहले दिखाया था, तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। अब ये है लेफ्ट पॉइंट, आप देख सकते हो यहाँ से मैं ऊपर आया था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक पॉइंट आएगा तो इस तरफ से मैं आया था, यस हाँ, जहाँ से जो लोग आ रहे हैं ना, यहाँ से मैं आया था और फिर मैं गया था अंबिका मंदिर के लिए। लेकिन अब मेरे को जाना है इस तरफ, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था वो दत्तात्रेय मंदिर जो है, या दत्तात्रेय का जो वो देखो वो पहाड़ी, वो वहाँ पर है, लेकिन इसके बाद एक और पहाड़ी है, हमें वहाँ तक जाना है। तो ये है कि अभी जो अंबिका मंदिर तक आप देख सकते हो, ये तो लगभग सीधा सीधा, ज़्यादा लंबी चढ़ाई नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकती है, फिर भी लोग जा रहे हैं, तो मैं भी चले गया, लोग आते जाते रहते हैं, बल्कि रात को भी आते जाते रहते हैं लोग, तो बढ़िया लगा मतलब। तो ये है, मैंने ये भी फोकस मार दिया जूम करके, तो ये मंदिर है, ये मंदिर वैसे दत्तात्रेय नहीं है, लेकिन ये मंदिर पहली चोटी है, फिर उसके बाद एक और चोटी है, बट ये वैसे छोटी छोटी चोटी है उस हिसाब से, जो दूसरी वाली चोटी आपको दिख रही होगी ब्लू कलर की, वो आती वो है दत्तात्रेय। और यहाँ पे लोग देखो कैसे डेंजरसली हैं, कैसे गए हैं नीचे ना, तो बड़ा डेंजर लग रहा था देखते हुए इन लोगों को।
मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से कैसा लग रहा है, बिल्कुल डेंजर लग रहा है ना। तो ये लोग यहाँ बैठे हुए थे और मैं बस नज़ारे की फ़ोटो लेने का मेरा मन कर रहा था, तो नज़ारा बहुत शानदार है। वो देखो, अंबिका मंदिर मैंने छोड़ दिया, अब हम कर रहे हैं नया, दूसरे मंदिर जा रहे हैं, अब दत्तात्रेय मंदिर। तो उसकी मैंने सोचा ये पार्ट में बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे वीडियो क्या है ना बहुत बड़ी हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बाकी अभी दूसरा पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, 4-5 दिन में आ जाएगा, एक एक हफ्ते में लेकर आएंगे पार्ट।